लर्नर्स, कैसे हो आप। मॉड्यूल 1 डे 4 इंग्लिश इन द फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल लेकर आई हूँ और आपको इससे हेल्प होगी और गाइडेंस दूंगी मैं। और अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं लर्नर, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन एज वेल। चलिए देर ना करते हैं, आज के मॉड्यूल फर्स्टली इन्विजन द फ्यूचर। इन्विजन की मीनिंग क्या है यार, इसकी मीनिंग है सोचना, फ्यूचर के लिए सोचना, ठीक है। और भी इसकी मीनिंग निकल के आते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में आपका लेसन ऑब्जेक्टिव है डिस्कस एंड एक्सप्लोर द प्रिंसिपल ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन की भी मीनिंग सिखाऊंगी मैं इस वर्ड की भी आगे, ठीक है। चलिए पहले वर्ड्स की मीनिंग ही जान लेते हैं। द वर्ड इज कैलकुलेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था पर मैं रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको और हेल्प हो सके। द वर्ड इज कैलकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। एलोकेशन, 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 एलोकेशन। ओके, कैलकुलेशन मींस द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली एंड करेक्टली and without a strong accent. All right, so next, what is the meaning of collocation in English? The art of careful public speaking, the art of careful public speaking, using clear pronunciation and good breathing to control the voice. All right, students and learners, आई होप आपको ये बताया यूजफुल लगे। कैनन, कैनन, कैनन मीन्स अ जनरल लॉ, यानी रूल, कुछ प्रिंसिपल्स, ओके, कोई जजमेंट, ओके, जो आपकी लर्निंग में है, सो प्रिंसिपल के साथ। सो ये इसकी मीनिंग आती है। सेकंड भी है, आप देख सकते हो, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन, अ कलेक्शन, किसी चीज का कलेक्शन, लिस्ट इत्यादि, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आपको इंटरफेस भी दिख रहा होगा। चलिए, ये मैंने आपको पहले भी गाइड किया है, एक्सप्लेन किया है, बट मैं इसकी थोड़ी प्रोनंसिएशन भूल गई थी, तो मैंने क्या, मुझे लगा कि फिर से रिवाइज कराना चाहिए, जो न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हुए उनको भी हेल्प होगी। एंड प्रोनंसिएशन देख लेते हैं। सेम रेटोरिक इज इजी टू रेटोरिक, 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 अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्ड इज एनविजन, इसकी सही प्रोनंसिएशन क्या है, चलिए सीखते हैं। ओके, एनविजन, envision, envision, something to imagine, realized, जो possibilities होने वाली है in a future, कोई चीज सोचना, वो meaning यहाँ पे इसकी निकल के आती है। interface तो आप मेरा देख ही रहे हो, ठीक है। देखिए, imagine as a future possibility, visualize, she, pronunciation, envision, she envisioned the admiring, admiring की मीनिंग होती है किसी चीज के लिए खूब पागल हो जाना, कोई चीज बहुत पसंद आ जाना, उसको admiring बोला जाता है। glance of guest seeing her home, okay, students अभी चलिए next पे चलते हैं। word की मीनिंग जानी और word की मीनिंग जानी, जिससे कि आपको help होगी इस lesson में, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ word होते हैं जो हमें पता नहीं होता है, सही pronunciation पता नहीं होती है, तो वो हमें समझना जरूरी है। सो कैलकुलेशन मीन्स डिस्कस एंड एक्सप्लोर द प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन, या सही ढंग से, करेक्ट फॉर्म में कैसे स्पीक करना है, क्या करना है, वो मीनिंग निकल के आती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन नेक्स्ट पे आपका है थिंक एंड प्रेजेंट व्यू यूजिंग एंड अप्रिशिएटेड रेट ऑफ स्पीच एंड करेक्ट सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप कैसे सोचना है प्रेजेंट में, रेट की स्पीच क्या होगी, रेट ऑफ स्पीच क्या है,
यानी हम जो बोलने का तरीका है कैसे बोला जाता है वो हमने प्रीवियस लेसन में भी सीखा था, मे बी बुक वन में था, ठीक है ना। तो बोलने का रेट भी होता है, साउंड रेट भी होता है, किस तरह से हमें बोलना है। जैसे हमें एकदम लाउड नहीं बोलना है। अब जैसे हम हर एक रेंज होती है बोलने की, बोलने की रेंज होती है, ठीक है ना। ग्रुप की अलग होती है, जब आप पब्लिक स्पीकिंग में और वन पर्सन हो तो आपकी रेंज ऐसी होनी चाहिए कि पूरी ऑडियंस तक आपकी आवाज़ जाए करेक्टली, ठीक है ना। एक होती है जैसे दो पर्सन ही बात करे, उनके अलावा कोई ना सुने, ठीक है, एक वो रेंज होती है अलग अलग। तो वो लेसन में भी बुक वन में है, तो आप प्लीज़, मैंने सही से प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है, तो आप बुक वन में जाओगे तो आपको वो बुक वहाँ मिल जाएगी। मे बी उस नाइन्थ या टेंथ या एट लेसन है वो, आप उस पर जाओगे तो आपको वो समझ आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। तो रेंज भी होती है स्पीक करने की, स्पीच की, सो वो आप उसमें वहाँ से करेक्टली गाइड, मैंने सही से समझाया तो वो आप देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, और आपने अगर वो सीखा है तो आपको याद होगा क्योंकि आप एडवांस लेवल तक आ गए हो, तो वो लेसन आपको याद होगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस आस्किंग अ क्वेश्चन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रीडिंग, ठीक है। ये भी हमने पहले सीखा, अभी प्रीवियस मॉड्यूल में सीखा ही है, ठीक है ना। तो ये आपको याद ही होगा, रिलेटेड फ्रॉम वीक वन ऑफ माय मॉक। ओके, मॉक रिलेटेड टू मॉक है द एक्सपेक्टेशन डिफाइन मॉड्यूल वन डे टू। ओके, जो मॉड्यूल दो डे वन में आपका मॉक हुआ होगा उससे रिलेटेड है ये स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। बेसिकली ये आपका समराइजिंग है जो कि हम अभी आगे सीखेंगे, तो आपको रिवाइज कराया जाएगा ये लेसन में, जो जो आपने मॉक्स किए हैं, जो आपने एक्टिविटीज़ की है वो आपको रिवाइज कराया जाएगी। देन स्ट्रेटन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इफेक्टिवली बाय प्रैक्टिस मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर्स के बारे में भी मैंने आपको कई मॉड्यूल्स में भी बताया, तो आपको वो हेल्प होगी। जो वीडियो आपने प्रीवियस मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिर से मैं गाइड कर लेती हूँ। मिनिमम पेयर्स मीन जिसमें लिटिल बिट साउंड सेम होता है, वावल साउंड जो सेम होता है, जैसे पेन, पैन, पेन, ओके, बेड, बैड, ये इस तरह के कुछ साउंड होते हैं वो सेम होते हैं, वो मिनिमम पेयर्स खिलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन स्ट्रेटन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट इफेक्टली बाय प्रैक्टिसिंग प्रोपोजिशन। ओके, आपकी प्रोपोजिशन के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिवली प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने प्रीवियस लेसन में यही सब डिस्कस किया है, क्विजेस के थ्रू भी कराया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर कुछ डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पार्ट बी, व्हाट इज एलोकुलेशन। एलोकुलेशन क्या है, अभी मैंने आपको पहले गाइड किया। एलोकुलेशन इज एबिलिटी टू करेक्ट स्पीकिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट जेस्टर, करेक्ट एक्सेंट। सो स्टूडेंट्स और लर्नर्स, एलोकुलेशन की करेक्ट, बेसिकली करेक्ट फॉर्म में बोलना, करेक्टली पोज दे के बोलना, ऑलराइट। सो दैट इसकी मीनिंग यही हो, देखिए लिखा भी है यहाँ पे पूरा, ठीक है। द डिक्शनरी डिफाइंस एलोकेशन एज अ स्किल ऑफ एक्सप्रेसिव स्पीच विद प्रोनंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन। सम पीपल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू प्रोनाउंस एंड क्लियरली। ओके, ये आप पढ़ लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मीनिंग क्या है मैंने आपको बताई, और देखिए इन अ लास्ट देर आर सिक्स कीज प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन दैट मस्ट हैव लर्नड एंड मास्टर्ड इन ऑर्डर टू हैव क्लियर एंड प्रेज स्पीच। दीज प्रिंसिपल आर, ओके, दीज प्रिंसिपल आर 1, 2, 6, ओके, इनके
कैलकुलेशन के 6 प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ठीक है, आर्टिकुलेशन, इनफ्लेक्शन, एक्सेंट एंड इम्फोसिस, द वॉइस, जेस्टर, इंट्रक्शन फॉर रीडिंग वर्ड्स. सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर, ये रूल है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है. ये सब आपको फैसिलिटेटर सिखाएंगे, ठीक है ना. देन फर्स्ट है आर्टिकुलेशन, एक मैं रीड करके आपको बता देती हूँ. दिस इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू पुट थॉट्स इनटू इफेक्टिव वर्ड्स इन ऑर्डर टू फ्रेजेस, ओके, वर्ड एंड डिलीवर अ प्रॉपर स्पीच. ओके, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी थॉट की एबिलिटी क्या है वो इसमें गाइड करी जाएगी. देन आप इसमें फ्रेजेस का कैसे सही तरीके से यूज करते हो स्पीचेस का वो, ठीक है ना. देन इनफ्लेक्सेस, दिस इज एबिलिटी टू मॉड्यूल द टोन ऑफ स्पीच. टोन ऑफ स्पीच क्या होती है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो एज अ एक्सप्रेस अ ग्रामेटिकल एट्रीब्यूट ऑफ द वर्ड सच एज टोन एंड मूड जेंडर. ओके, स्पीच वॉइस स्पीच होती है ना, वो हमें कैसे डिलीवर करनी है सही तरीके से, सही ग्रामर यूज करके. हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था बुक वन में, तो प्लीज़ आप बुक वन एक बार चेकआउट कर लीजिएगा. उसमें ये सारा गाइड किया गया है. किसी बात पे हमें स्ट्रेस देना, किसी वर्ड पे स्ट्रेस दे के हमें बोलना. ओके, जस्ट लाइक आई एम लर्निंग FVA. तो मैं स्ट्रेस देने की कोशिश कर रही हूँ FVA में, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है. थोड़ा सा आपको गाइड किया है. किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना, किसी बात पे जोर देने होता है ना, जैसे माई स्किल्स, जो भी आपकी स्किल है उस पे आप जोर दोगे वो वर्ड के ऊपर, ठीक है ना. चलिए, एक्सेंट क्या होता है, सिंपल वे में बता दूँ. एक्सेंट हर एक कंट्री का अलग अलग होता है एक्सेंट. इंडिया का हम तो सिंपली जान लेंगे, लेकिन अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन एंड चाइनीज एंड जापानीज के एक्सेंट जो ना हम इजीली समझ नहीं पाते. उनके बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट वे में होता है. तो उनको समझने के लिए हमें डी एक्सेंट क्या होता है वो समझना पड़ता है डीप वे में. जैसे इन अमेरिका की, जैसे हम वॉट बोलते हैं ना, तो वो वो बोलते हैं वो. हम गॉट यू, तो वो बोलते गोना. आई वॉन्ट यू, तो वो बोलते आई वोना. सो ये छोटी छोटी स्किल्स होती है जो हमें सीखनी होती हैं. यस को या बोलते हैं वो लोग, या, ठीक है. तो बोलने के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होते हैं हर जगह, क्योंकि वो हमें सीखने पड़ते हैं. तो अमेरिकन एंड ब्रिटिश पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ये हर जगह लगभग यही चलती है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप देखिए, खुद से रीड कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. जस्टिस क्या होता है, स्पीकिंग लैंग्वेज. हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, हमारा फेस, हमारा स्पीकिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, किस सिचुएशन में हम डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जस्टिस होते हैं, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए. जैसे यू आर स्पीकिंग इन पब्लिक एंड ग्रुप इन FVA, ओके. सो बिल्कुल भी डरना नहीं है, एकदम पोलाइट वे में पोज करते हुए आपको बोलना है. आई कॉन्टैक्ट पब्लिक के फ्रंट ऑफ होना चाहिए, ना कि आप बात करते हुए इधर उधर देख रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स. और एकदम काम डाउन होके एकदम स्पीच कर रहे हो, वो आपका जेस्चर होता है, ठीक है. देन इंस्ट्रक्शन फॉर रीडिंग वर्ड्स, ये कुछ न्यू है. इफेक्टिव रीडिंग इनेबल्स चिल्ड्रन टू लर्न प्रॉपर स्ट्रेच ऑन द वर्ड. ओके, ये आपको सिखाया जाएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर, प्रॉपर वर्ड के ऊपर स्ट्रेस करना आपको इसमें लर्न कराया जाएगा. तो इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ये ज़्यादा
फैसिलिटेटर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए पॉइंट बी पे पढ़ते हो। देखिए देखिए वेबसाइट भी दी है, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन के ऊपर, तो इसमें आपको और ज्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ द कॉन्सेप्ट, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा उससे रिलेटिंग यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, रूल्स टू बी फॉलोड। ओके सो 1 to 5 है, करेक्टली रीड कीजिएगा, मैं थोड़ा गाइड कर देती हूँ रीड करके। राइट, ईच पार्टिसिपेंट विल बी अलाउड 2 मिनट्स, आपको सिर्फ 2 मिनट अलाउड होंगे। ऑलराइट, सेकंड है आपका प्रैक्टिस इट एज मेनी टाइम बिफोर यू डिलीवर योर स्पीच। ओके, प्रैक्टिस करना होगा स्पीच डिलीवर करने से पहले आपको, रिमेंबर। देन थर्ड में आपका है द विनिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन रूब्रिक, शेयर द रूब्रिक विद स्टूडेंट। ओके, ये वर्ड हम लर्न कर लेते हैं, रूब्रिक्स क्या है, लाइक द स्टार्टर्स लर्नर, द वर्ड इज रूब्रिक साउंड। Rubric means a little or set of instruction in a book, an exam paper, usually printed in a particular style. Okay, rubrics mean किसी चीज का instruction, exam का जो भी है उसके paper में जो भी rules और होते हैं, usually printed in a particular style. Alright, हमने रूब्रिक की मीनिंग जानी, बेसिकली समथिंग टू रोल टू स्टार्ट करना, ठीक है, वो समझना, ठीक है। सो जो विनिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन अरबिक रूल्स समझना हर स्टूडेंट को, ठीक है। देन फोर्थ आपका है द विनिंग हाउस विल बी अवॉर्डेड अ डिजिटल सर्टिफिकेट, एवरी मेंबर स्कोर विल बी अडॉप्ट टू द हाउस स्कोर्स। ओके, हर किसी हर विनर को, हर हाउस को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था, ठीक है। देन फिफ्थ, ऑल पार्टिसिपेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द डिस्कर्मन इन द क्लास एंड रिकॉर्ड्स फीडबैक फॉर द प्रेजेंटर। ऑलराइट, सो पॉइंट सी में इतना ही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आप ठीक से इसको पढ़ लीजिए, मैंने तो वैसे आपको स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स पार्ट डी में हमने द ब्रिज के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस मॉड्यूल में, इज नाउ ब्रिज नाउ है, बेसिकली ये कब बिल्ट हुआ था इसके बारे में लिखा गया है, ये कब बिल्ट हुआ था, कब कब इस पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था। ओके, स्टार्ट हुआ था 1930 में, देन रीबिल्ट हुआ था 1996 में। ओके, ये ब्रिज को इतना स्ट्रांगली बनाया गया था कि क्लाइमेट जब चेंज हुआ जो वहाँ पे जो शहर थे, बहुत टाइम तक क्या स्ट्रोम आया था, देन वहाँ पे काफ़ी रेनफॉल हुआ था काफ़ी मंथ तक, मे बी 6 मंथ तक, मैंने जहाँ तक डिस्कवर किया था उसमें, मैं जो मेरा प्रीवियस मॉड्यूल है उसमें चेकआउट कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है, पूरी स्टोरी की लिंक वगैरह मैंने दी गई है हिंदी इंग्लिश में, कैसे प्रेजेंट करना है इन योर चकोटला ब्रिज जो भी है फ्रंट ऑफ एफ, वो सारी लिंक मैंने शेयर की, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन बताया गया था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट क्लाइमेट चेंज होता है, हाँ, रिवर जो होती है वो ब्रिज के नीचे से नहीं, ब्रिज के नेक्स्ट टू ब्रिज के बहना शुरू हो जाती है, यही सब है कि वो ब्रिज उस टाइम में कितना इम्पोर्टेंट था, लेकिन नाउ अब उसका कोई यूज़ नहीं है, रिलेटेड टू यही सारा लिखा गया है, जो टेक्नोलॉजी थी वो सारा, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी हमने बहुत यूज़ करी, लेकिन चेंजेस लाइफ में आते रहते हैं, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, यही सब इसमें सीख दी गई इस ब्रिज के थ्रू, कि हमें अपन जैसे एक बंदा होता है, हाँ जी मैं सेम ही रहूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज टू एवरी वन,
तो ब्रिज यहाँ पे हमें वो सीख दे जा रही, ब्रिज कितना नहीं, ब्रिज बहुत स्ट्रांग है, बहुत तकनीकी के साथ तैयार हुआ, लेकिन क्या अब वो ब्रिज यूजफुल है? नहीं ना। तो हमें चेंज होते रहना चाहिए, यही मीनिंग इसमें दी गई है, आप रीड कर लीजिएगा। आगे के लेसन भी ये ब्रिज के बारे में डिस्कशन होगा मॉड्यूल में, ठीक है ना स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। देन ये वेबसाइट है, ये भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा, इसी से रिलेटेड आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए बुक में आप पार्ट ई में है वीक वन लेसन समराइजिंग। बेसिकली आपको जो आपका प्रीवियस मॉड्यूल्स रहा है, कॉम्पिटिशन रहा है, देन वो समराइज किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आ गया द वीक वन ऑफ द मॉड्यूल विल फोकस ऑन द बेसिक ऑफ द कोर्स। ओके, आपसे आपकी कोर्स से रिलेटेड है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वो आपको समराइज किया जाएगा। ओके, सो रीड कीजिएगा, इसको समझिएगा, छोड़िएगा नहीं। समराइज करना यानी मेमोराइज करना, फिर से रीलर्न करना, तो इस चीज़ को आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्लीज़ मत मिस कीजिएगा। ओके, देन फर्स्ट आपका है लेक्चर, लेक्चर कोर्स ओवरव्यू। ओके, बाय द एंड ऑफ द कोर्स यू शुड हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नेसेसरली टू डिज़ाइन एंड डिलीवर स्पीचेस दैट आर क्लियर एंड कंपेलिंग। ओके, कोर्स असेसमेंट स्पीचेस क्विजेस एंड एनालिसिस एक्टिविटीज कोर्स शेड्यूल्स, ये सारी चीज़ आप रिवाइज करोगे, देन 1 to 5 weeks में आटोरिक अप्रोच टू पब्लिक स्पीकिंग इवेंटली एंड अरेंजिंग मेन पॉइंट्स इवेंटली एंड अरेंजिंग सपोर्ट्स फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड गुड्स डिलीवरी एंड कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन जो कि कंक्लूजन मीन्स रिजल्ट निकालना होता है, वो होता है वो, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, आई होप आप जानते होंगे। देन लेक्चर व्हाट इज रिटोरिक, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, रिटोरिक इन दिस क्लास वी विल टीक द रिटोरिक अप्रोच टू स्टडिंग पब्लिक स्पीकिंग। रिटोरिक इज द आर्ट ऑफ द आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन नीड एंड स्ट्रेटजी रिस्पोंडिंग टू देम। लेक्चर रिटोरिक सिचुएशंस, ठीक है, देन लेक्चर रिटोरिकल कैनन, इसकी मीनिंग मैंने अभी आपको गाइड किए है, समराइज करना है आप, मैं आपको ज़्यादा रीड करके नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। नेक्स्ट पर देख लेते हैं और क्या है, रेटोरिकल कैनन्स, द रेटोरिकल कैनन्स आर अ सेट ऑफ टूल्स यू कैन अप्लाई टू प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग स्पीचेस कैनन एवेंट अपकमिंग विद कंटेंट arrangement, putting in it in an order for an audience of lectures, style, finding the most effective language, okay, memory, getting your speech into your head to support good delivery, performing the content effectively for the audience. Next pe chalte hain, as a natural medium sound, ये आपको रिवाइज करना है। देन लेक्चर हाउ डू वी टॉक, ये है। देन ये वेबसाइट आपको दी गई है, इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। लेसन समराइज, ये आपका बेसिकली जो कोर्स होगा उसके रिगार्डिंग समराइजिंग होगा, आपको मेमोराइज किया जाएगा, आपको रीलर्न कराया जाएगा, समझाया जाएगा, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आई होप आप को ये लेसन यूजफुल लगा होगा, यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, एंड एक्टिविटी बुक्स की भी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, सो उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्विजेज हैं समझने के लिए, आपको राइट डाउन करने के लिए आपको हेल्प होगी, ठीक है स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। मैं चलते हैं कौन मॉड्यूल बनाने के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।